हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल। आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में। यह मुकाबला खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज के मैदान में। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में। कल का मैच था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता फील्डिंग करने का फैसला लिया। पहले ओवर में साउथ अफ्रीका को जॉनी बेयरस्टो का विकेट मिल गया। फाफ डुप्लेसी ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि इमरान ताहिर को पहले ओवर में बॉलिंग दी जाए। इमरान ताहिर ने पहले ओवर में विकेट लिया और अच्छा स्पेल भी डाला। उसके बाद जेसन रॉय और जो रूट ने जो है अच्छी इनिंग्स के लिए 50 बनाए, पर उन दोनों का विकेट गिरा। उसके बाद कप्तान ओवेन मॉर्गन ने एक अच्छी पारी खेली। उसके बाद बेन स्टोक ने अच्छी पारी खेली। लग रहा था कि इंग्लैंड कम रन बनाएगा, पर फिर भी बेन स्टोक की इनिंग के कारण इंग्लैंड ने 311 रन बनाए। उसके बाद बैटिंग करने आई साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए जो हमने इनिंग में काफ़ी कुछ देखा। हमने देखा हाशिम आमला को इंजर्ड होते हुए, हमने देखा जोफ्रा आर्चर की बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, हमने बेन स्टोक का बहुत बढ़िया कैच देखा। तो पर उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका की इनिंग में ज़्यादा कुछ देखने जैसा था नहीं। वैंडर ड्यूसन और क्विंटन डिकॉक ने अच्छे रन बनाए, पर फिर भी साउथ अफ्रीका ये मुकाबला हार गई। अभी बात करते हैं आज के मैच के बारे में। आज का मैच खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज के मैदान में। वेस्ट इंडीज़ के सामने होगी पाकिस्तान। बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ की टीम की बात करते हैं यार, बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग लग रही है। हमने उनके जो है प्रैक्टिस मैचेस में भी देखा था, वार्म अप मैचेस में, कि न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक हम लोग जानते हैं, काफ़ी बढ़िया बॉलिंग अटैक है न्यूजीलैंड के पास। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 481 रन बना दिए थे, 400 रन का आंकड़ा क्रॉस कर दिया था। तो बैटिंग तो काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए पाकिस्तान की टीम को ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि वो अपनी बॉलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बॉलिंग ख़राब की तो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग ऐसी है जो कि 450-450 रन भी बना सकती है अगर उनका दिन हो तो। इसलिए पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। पर यार, पाकिस्तान के कैप्टन का टेस्ट ग्राउंड पे थोड़ी होता है, उनका टेस्ट तो मैच होने के बाद जो इंटरव्यू लिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें होता है, क्योंकि हम सभी जानते हो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो और कई बार उन्होंने इंग्लिश की माँ बहन भी की है। यार ये तो मजाक था, इसे मजाक के तौर पर ही लीजिए आप। पर ऑन सीरियस नोट अभी बात करें तो यार, पाकिस्तान की बैटिंग इस समय स्ट्रांग लग रही है। पहले उनकी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, बैटिंग काफ़ी वीक हुआ करती थी। आजकल उसका उल्टा हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग इस समय काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, बॉलिंग हो चुकी है वीक। शायद ही आज के मुकाबले में मोहम्मद आमिर को खेलने को मिलेगा, क्योंकि उनके पिछले कुछ सीरीज काफ़ी बुरे रहे हैं। उनके बॉलर्स वैसे पाकिस्तान के काफ़ी दिनों से इंग्लैंड में ही है, क्योंकि इससे पहले भी उनकी इंग्लैंड के साथ सीरीज थी, तो काफ़ी दिनों से इंग्लैंड में, इस कारण थोड़े से इंग्लैंड इंग्लिश कंडीशंस का जो है आइडिया लग गया होगा। तो देखना पड़ेगा पाकिस्तान कैसी बॉलिंग करता है। पर पाकिस्तान के रिसेंट फॉर्म की बात करें तो यार, इंग्लैंड के साथ भी सीरीज पाकिस्तान हार गया था, और उनका जो एक वार्म अप मैच हुआ था वो अफगानिस्तान के साथ था, तो वो मैच भी पाकिस्तान जो है बहुत ही बुरे तरीके से हार गया था। दूसरा वार्म अप मैच तो जरूर अबैंडन्ड हो गया था बारिश के कारण, तो इसीलिए पाकिस्तान का फॉर्म उतना अच्छा है नहीं इस समय, रिसेंट फॉर्म। और इसीलिए मेरा प्रेडिक्शन भी यह है कि पाकिस्तान आज भी उतना अच्छा नहीं करेगा, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में भी कोई बड़ा चैलेंज दूसरी टीमों के लिए पेश करेगा। ग्राउंड स्टैटिस्टिक की बात करें तो यार, यहाँ पे इंग्लैंड ने 481 रन बनाए थे, उससे पहले 444 रन बनाए थे, तो इससे साबित होता है कि काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड होता है। तो यहाँ पे दोनों ही टीमों की बैटिंग अच्छी है, तो लगता है कि ये मुकाबला भी हाई स्कोरिंग होगा। टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करना ही प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि पिछले 42 मैचेस जो इस ग्राउंड पे हुए हैं उसमें से 24 मैचेस जो है पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, तो पहले बॉलिंग करना प्रेफर किया जाएगा। बात करें मेरे प्रेडिक्शन की, तो मेरा प्रेडिक्शन है कि ये मुकाबला जीतेंगे वेस्ट इंडीज़। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।